बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार के मंत्री की दबंगाई का मामला सामने आया है। चारबाग रेलवे स्टेशन के रैंप पर कार चढ़ा दी है। कार रैंप से होते हुए एक्सलेटर तक पहुंची। दिव्यांग के लिए बनाए गए रैंप पर कार चढ़ा दी, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश से बचने के लिए मंत्री जी ने कार चढ़ाई है। एक्सलेटर के पास मंत्री जी कार से उतरे और कार के रैंप पर पहुंचने पर देखिए यात्री किस तरीके से हैरान हो गए कि मंत्री जी ये कर क्या रहे हैं। टाइम्स ऑन भारत पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विनोद दादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, ये मंत्री जी का कौन सा रवैया है, ये रैंप जो दिव्यांगों के लिए होता है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी? बिल्कुल, बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लखनऊ में बेहद कल दिन भर लगातार बारिश हो रही थी और तेज बारिश हो रही थी। और बताया जा रहा कि मंत्री जी की जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गुजरने वाली थी। एक तो मंत्री जी पहले से लेट थे और दूसरी बारिश हो रही थी, तो बारिश से बचने के लिए और जल्दी से ट्रेन पकड़ने के लिए जो एक्सलेटर लगाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, वहां पे बकायदा एक रैंप भी बनाया गया है ताकि जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें असुविधा ना हो और वो उसके जरिए रैंप एक्सलेटर तक, उस रैंप के जरिए एक्सलेटर तक पहुंच सके और वहां से वो प्लेटफॉर्म पर आसानी जा सके। ठीक है, लेकिन मंत्री जी का ये जो रवैया ये बहुत ही हैरान करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ पत्रकार छोटे से बैठे।